हे माय क्यूटीज, कैसे हो आप सब? दिस इज रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज एक हफ्ते से कोई वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ मैं बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, बट इस बार मैं कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ आप सबके लिए। एक चीज शेयर करने का मेरा बहुत मन कर रहा है। इतने दिनों से आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे हैं वो मैंने इस फोन से शूट किया है जो कि है सैमसंग A71। तो मैंने सोचा क्यों ना इट्स टाइम फॉर अ चेंज बिकॉज यू गाइस डिजर्व अ बेटर क्वालिटी वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइए। वेट, फोन को ऐसे ही रखने में वो बात नहीं, तो चलिए बनाते हैं कुछ हटके। सो लेट्स फाइंड सम जुगाड़ फॉर दिस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो ये पेपर का साइज है 8 इंचेस बाई 8 इंचेस। तो सबसे पहले हम इस पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको कॉर्नर्स को अच्छे से मैच करना है। ये जो हाफ पार्ट है उसे हम दोबारा हाफ फोल्ड करेंगे जस्ट लाइक दिस। फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा लाइक अ ओपन डोर। इसे थोड़ा केयरफुली कर रही हूँ ताकि इसके जो कॉर्नर्स है वो प्रॉपरली अलाइंड हो। अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो आपका जो स्टैंड है वो स्टेबल नहीं होगा। इट्स प्रीटी सिंपल गाइज, जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप इसे कहीं भी कैसे भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गए हैं 2 X folds। यहाँ पे जो वी शेप है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है जस्ट लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन गया है। ये जो बीच की लाइन आपको दिख रही है इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड टर्न करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। लुक एट दैट, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि नीचे का लेग का पोर्शन है और एक ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है इसके जो ऊपर का पार्ट है उसे हमें बीच में लाकर फोल्ड करना है। अब इसे ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बन गया है। इस स्क्वायर के लाइंस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है ताकि इसके क्रीज लाइंस और भी शार्प दिखे। फोल्ड इट जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारा एक फ्लैप है उसको हम खोल लेंगे और जो हमारा वी शेप था उसको हम फिर से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है वो भी ऑटोमेटिकली फोल्ड हो रहा है और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है। देयर यू गो, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप मिल गया है लाइक अ पिरामिड। दूसरे साइड में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। जो वी शेप बना हुआ था उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब स्लाइटली हमें इसका एक पोर्शन खोलना है और दूसरे पोर्शन को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नीचे का ट्रायंगुलर शेप खुलना जाए। अब मैं बता देती हूँ कि इसे हम कैसे कैरी कर सकते हैं। पहले हमें जो ये बीच का लाइन दिख रहा है वो हमें फोल्ड कर लेना है। ये कुछ डायमंड शेप का दिखेगा। लुक एट दैट, फोन स्टैंड इज एक्चुअली रेडी गाइज। आप इसे कहीं भी कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे वो पॉकेट हो, वॉलेट हो या बुक हो। है ना इंटरेस्टिंग? सबको ये क्यूट सा जुगाड़ू DIY। वीडियो पसंद आया तो आप सबको पता है कि आपको क्या करना है। जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।